हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर के प्रयासों से 9 जून को जिला मुख्यालय में शुरू हो रहे सांसद खेल महाकुंभ की तैयारियों को लेकर स्थानीय प्रीतिगृह में बैठक आयोजित की गई। बैठक में भाजुमा के पूर्व राष्ट्रीय सचिव नरेंद्र अत्री, जिला अध्यक्ष अभिवीर सिंह लवली, प्रदेश भाजपा खेल प्रकोष्ठ अध्यक्ष अनिल परमार समेत जिला हमीरपुर के 6 ब्लॉक आयोजित समितियों के सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में नरेंद्र अत्री ने कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। नरेंद्र अत्री ने कहा कि सांसद खेल महाकुंभ सांसद अनुराग ठाकुर की हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के युवाओं के प्रति दूरदर्शी सोच का प्रमाण है। इस माध्यम से जहां उन्होंने पंचायत स्तर से युवाओं को प्रतिभा दिखाने का मौका दिया है, वहीं प्रतिभावान खिलाड़ियों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण देने की भी योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा अपने संसदीय क्षेत्र की ग्रामीण युवा प्रतिभा को मंच प्रदान करने एवं निखारने के लिए जो खेल महाकुंभ की पहल की गई है वह अतुल्य है एवं भविष्य में ये केवल हिमाचल प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे राष्ट्र में खेल व खिलाड़ियों के उत्थान में मील का पत्थर सिद्ध होगी। 9 तारीख को जो शुरू हो रहा है सांसद खेल महाकुंभ, उसकी बात हो, अनुराग ठाकुर जी ने हमेशा एक प्रयास किया है खिलाड़ियों को, युवाओं को एक मंच प्रदान करने का, अपनी प्रतिभा दिखाने का। निश्चित तौर पर आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होने वाला है ये सांसद खेल महाकुंभ। पंचायत स्तर पर खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का पहली बार इतने बड़े पैमाने पर कोई प्रयास किया जा रहा है, खुशी का विषय है। जहां एक तरफ से हिमाचल को, भारत को श्रेष्ठ खिलाड़ी मिलने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ समाज में जो नशे की बीमारी फैल रही है उसको रोकने में भी एक कारगर कदम ये सिद्ध होने वाला है। मैं बधाई देता हूँ जिलाध्यक्ष श्री अभिवीर लवली जी को, मैं आभार व्यक्त करता हूँ सांसद श्री अनुराग ठाकुर जी का जिन्होंने ये पहल की है। और आज इस बैठक में जिस तरह का उत्साह और जिस तरह की फीडबैक पूरे जिले के 6 ब्लॉक से पदाधिकारियों ने दी, निश्चित तौर पर पूरे संसदीय क्षेत्र, पूरे जिला की प्रत्येक पंचायत से खिलाड़ी इसमें अपना दमखम दिखाएंगे और आने वाले समय में हमीरपुर हिमाचल की युवा शक्ति राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपना परचम लहराएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। भाजुमा जिला अध्यक्ष अभिवीर लपली ने कहा कि इस स्टार खेल महाकुंभ में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को अच्छा प्रदर्शन करने वाले टॉप 4 खिलाड़ियों को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल देकर सम्मानित किया जाएगा। हर मैच के स्टार ऑफ द मैच को सचिन तेंदुलकर एवं सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा लॉन्च टी शर्ट एवं सभी खिलाड़ियों को सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। रेफरी या अंपायर द्वारा अनुमोदित खिलाड़ियों को फाइनल सिलेक्शन के लिए प्रदेश खेल संघों द्वारा बुलाकर टॉप प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन होगा जिनके प्रशिक्षण पर लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो मीटिंग है वो खेल महाकुंभ को लेकर रखी गई है, इसमें विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के सह मीडिया प्रभारी नरेंद्र अत्री जी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इसमें हमने 6 के 6 जो हमारे विकास खंड के खेल संयोजक हैं उन सबको बुलाया गया था, पूरी जानकारी ली गई कि कितनी कितनी टीमें हैं और किस किस तिथि को खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया जाएगा। जैसे कि हमीरपुर मंडल में 9 तारीख को खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया जाएगा जिसमें खेल मंत्री विक्रम ठाकुर, गोविंद ठाकुर जी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे, उनके साथ गेस्ट ऑफ ऑनर्स स्थानीय विधायक नरेंद्र ठाकुर जी रहेंगे। 10 तारीख को टौणी देवी में खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया जाएगा जिसमें कि मुख्य अतिथि माननीय प्रेम कुमार धूमल जी रहेंगे तथा गेस्ट ऑफ ऑनर भोरंज की स्थानीय विधायिका नरेश कुमारी जी रहेगी। इसमें टोटल हमारी जिला हमीरपुर से 600 टीमें भाग ले रही हैं जिसके अनुसार लगभग 10,000 युवा इस खेल महाकुंभ का हिस्सा बनेंगे। जैसा कि अनुराग ठाकुर की ये एक अनूठी पहल है, उनका सपना है कि हमीरपुर को इस बार ओलंपिक मेडल कोई हमीरपुर का खिलाड़ी लेके आए, उसी दिशा में ये हमीरपुर का खेल महाकुंभ एक कदम है।